मैं आरके सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम मौसम के बारे में पढ़ें, उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ें। द चेंजिंग वेदर, मौसम में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? सूर्य है। कभी तेज हवा आंधी तूफान आते हैं, कभी बादल आकर वर्षा कर देते हैं। वायुमंडल की ऐसी अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। और जब अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण 365 सही 1/4 दिन अर्थात 365 दिन 6 घंटे में होता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण 24 घंटे में करती है। मौसम परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक सूर्य है। सूर्य वायु में गति उत्पन्न करता है। सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो ठंडी हवा उसके स्थान पर तेजी से आती है। इस तरह से वायु में गति उत्पन्न होती है और वायु में गति यानी कि वो पवन होता है। वायु में गति के कारण और ऊष्मा के कारण जल का वाष्पीकरण होता है, उससे बादल बनता है। बादल ऊपर जाते हैं तो फिर ऊपर तापमान कम रहता है तो वो फिर से संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाते हैं और फिर वर्षा होती है। इसीलिए कहा जाता है सूर्य मौसम का नियंत्रक है। पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। दिन का आरंभ सूर्योदय होने पर होता है। हम दिन के समय अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं क्योंकि दोपहर के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं और प्रातः काल और सायंकाल सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। इसलिए प्रातः काल और सायंकाल ठंडा रहता है जबकि दोपहर को अधिक गर्मी होती है। स्थल तथा जल पर सूर्य का क्या प्रभाव होता है उसको हम जान लें। सूर्य की गर्मी स्थल को शीघ्र गर्म कर देती है जबकि जल अपेक्षाकृत देर में गर्म होता है। इस प्रकार सूर्य स्थल तथा जल को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु के दोपहर में धरती पर आप पैर रखते हैं तो आप पाते हैं कि गर्मी के कारण आपके पैर का तलवा जलने लगता है। अब आप अपना पैर किसी तालाब या किसी टब में एकत्र जल में डुबोइए। ऐसा करने पर आपको पानी धरती की अपेक्षा कम गर्म प्रतीत होता है, साथ ही आप पानी में अधिक समय तक अपना पैर डुबोकर रख सकेंगे। इसका कारण है कि धरती गर्मी को जल की अपेक्षा तेजी से अवशोषित कर लेती है, अतः स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं। वायुमंडल में घूमती हवा को ही पवन कहते हैं। धीरे धीरे चलती हुई पवन को मंद पवन या समीर कहते हैं। दिन के समय जब भूमि और जल गर्म हो जाते हैं तो ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है। भूमि जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है तो भूमि के ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है। अब भूमि के ऊपर की वायु गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो समुद्र की ओर की जो ठंडी हवा है, समुद्र के जल के ऊपर की ठंडी वायु भूमि की ओर तेजी से आती है। इस वायु को जल समीर या समुद्री समीर कहते हैं। ये दिन के समय चलता है, यानी जल समीर और समुद्री समीर दिन के समय चलता है। स्थल समीर में क्या होता है? रात के समय भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्मी को छोड़ती है तो रात को भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जल जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। इसलिए भूमि की तरफ की जो ठंडी हवा है, जल की तरफ जल जो है गर्म रहता है, देर में ठंडा होता है, तो जल के ऊपर की जो गर्म हवा वो ऊपर उठती है और भूमि की ओर की ठंडी हवा तेजी से समुद्र की ओर जाती है। इस प्रकार इस वायु को, इस पवन को स्थल समीर कहते हैं। स्थल समीर रात के समय चलती है। ये जल समीर का उदाहरण है। समुद्र की ओर से
समुद्र की ओर से स्थल की ओर हवा ऐसे चल रही है तो ये समुद्र की लहरें इधर चट्टानों की तरफ आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं स्थल समीर का उदाहरण, स्थल से समुद्र की ओर समीर बढ़ रही है। वाष्पीकरण क्या होता है? जल को गर्म करने पर या जल सामान्य स्थिति में रहे तो भी शांत पवन की अपेक्षा तीव्र पवन में वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो प्रकृति में वाष्पन की क्रिया सदा चलती रहती है। वाष्पन की क्रिया यानी कि जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वर्षा और जाड़ों में प्रायः तालाब जल से भरे रहते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में इनका पानी सूखने लगता है। इसका कारण क्योंकि पानी जो है वाष्प बनकर हवा में मिल जाता है, इसलिए पानी सूखने लगता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की स्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वाष्पन की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है। ये किस पर निर्भर करता है? वायु की गति, उसकी आर्द्रता, तापमान और धरातल के फैलाव पर। शांत पवन की अपेक्षा तीव्र पवन में वाष्पीकरण तेजी से होता है। हवा जब तेज चलती है तो आप जानते हैं कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। गर्मी में वाष्पीकरण तेजी से होता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वर्षा वाले दिनों की अपेक्षा सूखे दिनों में वाष्पीकरण तेजी से होता है, क्योंकि सूखे दिनों में हवा में आर्द्रता कम होती है, जल वाष्प की मात्रा कम होती है, हवा शुष्क होती है, इसलिए वाष्पीकरण तेजी से होता है। जल की सतह जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण उतनी ही तेजी से होता है। संघनन क्या है? सूर्य की ऊष्मा के प्रभाव से पृथ्वी का जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल वाष्प का ठंडा होकर जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके निम्न प्रकार है संघनन के। वर्षा, वाष्पन द्वारा बनी हुई जल वाष्प ऊपर उठती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है, अतः ऊंचाई पर पहुंचकर जल वाष्प ठंडी होकर वायुमंडल में धूल कणों के ऊपर एकत्र हो जाती है, इसे बादल कहा जाता है। बादल से जल की बूंदें धरती पर गिरती हैं, इसी क्रिया को वर्षा कहते हैं। ओस क्या है? रात में वायु में उपस्थित जल वाष्प जब किसी ठंडी वस्तु जैसे वृक्षों की पत्तियों को स्पर्श करती है तो वह संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसे ओस कहते हैं। आप सुबह जाड़े के दिनों में ऐसा देख सकते हैं, फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, घास के ऊपर मोतियों की तरह ये ओस की बूंदें बिखरी जाती हैं। ओला, कभी कभी वायुमंडल में, ओला को स्नो भी कहते हैं, बर्फ गिरता है जिसको बोलते हैं। कभी कभी बारिश होती है तो अचानक बर्फ गिरने लगता है, इसको बोलते हैं ओला। कभी कभी वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अचानक तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है, फिर वहां की जल वाष्प पानी से बर्फ बन जाती है। बर्फ के टुकड़े गिरते समय वायु से रगड़ खाकर गोल बन जाते हैं और ओलों के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं, इससे फसलों को हानि पहुंचती है, पत्तियां कट जाती हैं, फट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है। पाला क्या है? सर्दी में कभी कभी सवेरे के समय भूमि या पेड़ पौधों पर सफेद परत सी फैली दिखाई पड़ती है, अर्थात सर्दी की रात में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि ओस बर्फ के रूप में जम जाती है। इस जमी हुई बर्फ को ही पाला कहते हैं। पाला पड़ने के कारण पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं और केशिकाएं होती हैं उनके अंदर पानी बर्फ में बदल जाता है और उसका घनत्व अधिक होने के कारण पौधों के अंदर की पतली केशिकाएं फट जाती हैं, पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पाला से पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है। कोहरा क्या है? सर्दी में सवेरे के समय दूर दूर तक धुआं सा फैला दिखाई देता है, इसे कोहरा कहते हैं। सर्दी में ठंड के कारण वायु में उपस्थित जल वाष्प धूल या धुएं के कणों पर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। बहुत हल्की होने के कारण ये बूंदे वायुमंडल में लटकी रहती है। इन्हीं के कारण वायुमंडल में धुआं के समान फैला हुआ दिखाई देता है, यही कोहरा है। कोहरे से फसलों को हानि पहुंचती है, फसलों की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि सूर्य का ताप नहीं मिल पाता है। कोहरे से यातायात में भी बाधा आती है। हिमपात क्या है? अचानक तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का तापमान अधिक गिर जाने से जल की बूंदें
संघनित होने से पहले ही बर्फ के बारीक कणों के रूप में बदल जाती हैं। ये बर्फ के बारीक कण पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, इन्हें हिमपात कहा जाता है। हिमपात अधिकतर पर्वतों की चोटियों पर होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 75% भाग पानी ही होता है और भूमि का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी 3/4 भाग। जल अपने साथ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां लाता है। कुछ पदार्थ जल में घुलनशील, कुछ पदार्थ अघुलनशील रहते हैं। बहता हुआ जल अपने साथ मिट्टी, रेत के कण, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु भी साथ बहा लाता है, जिसके कारण जल अशुद्ध हो जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियां हैं। एक है अवसादन, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। जल में अघुलनशील पदार्थों को जल के नीचे एकत्र करने की विधि को, तली में एकत्र करने की विधि को अवसादन कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम जल में उपस्थित रेत के कणों को दूर कर सकते हैं। निस्तारण क्या है? हम जानते हैं रेत जल से भारी होता है, इसलिए जल को एक गिलास में भर लें और इसे बिना हिलाए ऐसे ही रखा रहने दें। आप देखेंगे कि जल में जो धूल के रेत वगैरह है वो नीचे बैठ जाती है, तली में अशुद्धियां, मिट्टी और कुछ अगुलित अशुद्धियां नीचे बैठती जाती हैं। अब ऊपर का जो साफ जल है उसको आप सावधानी पूर्वक दूसरे गिलास में डाल लें, नीचे का तली का जल छोड़ दें। यह विधि निस्तारण कहलाती है। ये देखिए, ये निस्तारण विधि, इसमें से ऊपर का साफ जल इसमें डाल दें। अब इसके बाद निश्चंदन क्या है? जल को ट्यूब, छन्ना, कागज एवं कपड़े, ये कीप है, कीप के अंदर छन्ना कागज रख दिया गया। अब ये गंदा जल, अशुद्ध जल इसमें से डाला गया, तो ये छन्ना कागज से छन कर ये नीचे जो फ्लास्क है इसमें ये साफ जल एकत्र हुआ। तो जल को ट्यूब, छन्ना कागज और कपड़े की सहायता से शुद्ध करने की विधि निस्यंदन कहलाती है, छन्ना विधि जिसको बोलते हैं। शुद्ध जल को किसी बर्तन से प्राप्त करना निस्यंदन कहलाता है। अघुलनशील अशुद्धियां छन्ना कागज में एकत्र हो जाती है, इन अशुद्धियों को अवशेष कहते हैं। भूमिगत जल क्या है? अधिकांश वर्षा का जल भूमि से छनकर निचली सतह तक पहुंच जाता है। भूमि का जल नलकूप या कुएं द्वारा निकाला जाता है, यही जल भूमिगत जल कहलाता है। हम अपने बहुत से कार्यों में जल का उपयोग करते हैं, जल मूल्यवान है, इसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध होता है, पर जब यह पर्वतों से होकर भूमि पर आता है और उसमें धूल, कीटाणु, कूड़ा करकट, गंदगी मिल जाते हैं, तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार घुलनशील अघुलनशील पदार्थों के कारण और कूड़ा करकट के कारण जल अशुद्ध हो जाता है और जल का अशुद्ध होना जल प्रदूषण कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसके जल में मिलने से जल मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है वह पदार्थ जल प्रदूषक कहलाता है, और जल प्रदूषक का जल में मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। इसके अतिरिक्त सीवर का पानी, कारखानों से निकले रसायन, अपशिष्ट पदार्थ, गंदा पानी आदि नदियों में बहा दिए जाते हैं, इसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, इसीलिए हमें जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। इसी के साथ हम अब अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।